ठीक है, कितना दिन पर मिला था, कितना दिन पर। अब लगा सोचने कौन रास्ते भागे ने, गुरुआ देख ले तो लिया जाए, लिया जाए जिलेबियों खा जाए, तो वो बेचारी के काले जाओ। गुरु जी भी कम चालाक नहीं थे। अब जो रास्ता, जैसे मान लीजिए आश्रम में जाना है और इधर से कोई जाएगा तो देर में पहुंचेगा, और इधर से जाएगा तो जल्दी पहुंचेगा। तो महाराज जी क्या किए, अंदर वाला रास्ता पकड़ ली, उसी के सामने वह जिलेबी लेकर के इतना तेजी से भाग रहा था कि कहीं महाराज जी देख न जाए। अजय महाराज जी दिखाई दिए, भूत भभूत की तरह महाराज जी खड़ा। गुरु जी पालक जी पालक जी पालक पड़ा पड़ा, जय माता की जय माता की जय, गुरु जी पड़ा पड़ा पड़ा। अरे क्या प्रणाम प्रणाम कर रहे हो, कहो हाल चाल क्या है, कहाँ हो, आ नहीं रहे हो। कहे क्या बोले गुरु जी, क्या बोले गुरु जी, कहे क्या बोले गुरु जी, तो अंगूठवा से जमीनिया का खिरोच रहा है, गढ़ा कर रहा है, बोल। कहे क्या बोले गुरु जी, आखिर क्यों नहीं आते हो, तुम्हारी माँ रोकती है। नहीं गुरु जी। तेरी बहन रोकती है। नहीं गुरु जी। तेरा बाप रोकता है। नहीं गुरु जी। बताओ सच बताओ क्या है, बोल। उठाए डंडा, नहीं बोलेगा। बोले क्या बताए, हऊ बाड़ी न गुरु जी, हऊ बाड़ी न, हऊ बाड़ी न। अब तुम खन रहा था कि आगे पीछे अंगूठा क्या कर रहा है, आ क्या चोरवा रहा है पीछवा। क्या कुछ नहीं गुरु जी, हऊ बाड़ी न घरवा। अरे बोल न पिछवा क्या चुरा रहा है। कहता हऊ बाड़ी न घरवा, हऊ अरे कौन बाड़ी न घरवा। गुरु जी क्या बोले, बेचारी इतना मानती है हमको, हाय हाय, कि हमसे भी ज्यादा। अरे गुरुजी तू का मन ला, जिंदगी भर बर्तन मजवाओ, खाना बिना खियाओ, कपड़ा फिंचौलो, मन ला कौन दो तीन को मंत्र दे दिया, बस जो कहा तू मन ला। वो बेचारी ना जो हम जाए ना तो बिना खेले सूती नहीं सकेली, धन्य। अब हम जाते जाते जाते, अरे इतना हड़बड़ी क्या है। तो जिलेबिया नहीं, उनके नाई खाए ग्रह तो हम दे देते, लेकिन अब उनके खातिर रहे वाणी तब बोल साचे दरबार। ए आपका भी जीवन याद आ रहेगा, अच्छा आपका भी जीवन याद आ रहा है, चलिए ठीक है। अरे नाई जिलेबी मूंगफली है सही, कोई सोच रहा है कि हम हूं मूंगफली खरीद के ले गए लाली, लेकिन पकड़ आ गए नहीं कैसे, ओकर छिलका वा फेंकत कर। अरे आपका नाम नहीं लेंगे, खड़ा नहीं कराएंगे, ठीक ना। चलिए जय, प्रेम से बोलिए सदगुरु चरण की जय। दिव्य आत्माएं महाराज जी जब पीछे अब बोले, कह ठीक है जाओ, सारा बात समझ गए हैं गुरुवर, इसमें कुछ खेल निराला है, हो न हो यह शास्त्र बताता, जरूर दाल में जिसको संभाला बच्चे पर से, अरे कैसा रूप बना डाला, एक त्रिया के चक्कर में पढ़कर धर्म शास्त्र जला डाला, वह भाग्य भरोसा क्या होगा जो सत्य समझ नहीं पाएगा, एक समय ऐसा होगा वह रोएगा आंसू न पाएगा। गुरु जी बोले ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि यह बताओ मेरे पास इतना दिन तक रहा, अच्छा आप भी बताइए, हम आप लोगों को बताते हैं कि अपने माँ बाप को छोड़ दीजिए, बताते हैं घर द्वार छोड़ दीजिए, बताते हैं संसार छोड़ दीजिए। मैं कहता हूं कि संसार छोड़ने वाला व्यक्ति चूक जाता है, धर्म सत्य को नहीं पाता, साक्षात्कार नहीं पाता, लेकिन जो संसार में रहता है वह पा जाता। महाराज जी बोले कि देखो हम तो तुझसे कभी नहीं कहा कि परिवार को छोड़ दो, लेकिन सुन तुम्हें काम कर, एक दिन आ सकते हो। बोले हाँ गुरु जी एक दिन तो आ ही सकते। पहुंचा, गुरु जी छोड़ दिए, कहे ठीक है एक दिन आ जाना, चला गया। तब तक रात हो चुकी थी,
पत्नी बोली इतना रात कहे कहे इतना रात हो गई। कुछ लोग होती है ना देवी लोग कड़क साभा में कहती है बोल कह लेट हो गया कहो थे क्या बता ओ नहीं नहीं बस बस कुछ बहाना नहीं चलेगा। उसे बोली कहा लेट हो गया कह रहे गुरु जी मिल गए कहे हाँ हम कहे ना कुछ गड़बड़ है ये बताओ जिलेबी वो खिया दिया ना कि ले आई ना कह नहीं एक नहीं दिया ली हाँ मंगल तब नहीं लेकिन हाँ एक कह कर आया हूं कि एक दिन आऊंगा बस कहीं चलिए जान बचे तो। अब सुबह हुआ पत्नी और रोज की तरह सभी इकट्ठा हुए ललत भौजाई माँ सभी इकट्ठा हुई सासू उसकी बातें हुई बोली अब काम एकदम फाइनल कई बार बेटी बा बहुत बढ़िया क्या बस एक दिन जाएंगे। अब एक दिन जब गया कहा गुरुजी आज आए हैं गुरुवर धाम तुम्हारे फिर दो जाना आऊंगा जो भी बताना या करवाना कर लो फिर सकल नहीं दिखलाऊंगा। वो अरे धर्म कर्म में क्या रखा इतना सुंदर जीवन साथी माता पिता को छोड़कर भला क्या बनूंगा मैं अभागा बनूंगा आपके साथ। महाराज जी बोलिए क्या करना है। महाराज जी दो बात बोले कहे केवल हमको यह बता दो ये बताओ कि हम तुमको कभी संसार छोड़ने के लिए बोले नहीं। गुरु जी नहीं बोले तो फिर लेकिन तब क्यों छोड़ दिया कहा इतना माया लगेला गुरु जी इतना माया लगता है क्या करे। कहे तुम्हें ही लगता है कि उन सबों को तुझ का लगता है। कहे अरे गुरु जी क्या बोल रहे हैं मेरे लिए माँ चाहे पिता चाहे वो बहन अब ये मत कहिए गुरु जी कितना लगता है बता नहीं पाऊंगा। अच्छा ठीक है हमारे पास एक जड़ी है। गुरु जी बोले हमारे पास एक जड़ी है काम कर सकते हो। बोले हाँ कर सकता हूं। कहा एक काम करना कि यह जड़ी ले लो और इस जड़ी को रात जैसे 10 बजे घड़ी की सुई 10 बजे तुम एक नाटक करना ठंडक का मौसम है दोनों पैरों से रजाई को फेंक देना ऊपर जाकर गिर जाएगा आ तुम हाथ पाव पीटने लगना आ कुछ मत कहना झूठे बोलना कि पेट दर्द है। बोले अब गुरु जी हो कि झूठ बोलना सिखाएंगे हैं। वो बोले देख भाई तर्क नहीं एक बात मान लो फिर हम दोबारा नहीं कहेंगे हमसे छुट्टी तभी होगी बोल का ठीक है गुरु जी। अब क्या होगा कुछ नहीं 4 घंटा तड़पड़ाना छटपटाना आ 4 घंटे के बाद यह जड़ी को दांत में दबा लेना और जैसे दांत में दबा लोगे तुम्हारा प्राण कहां चला जाएगा सहस्त्रार चक्र में और जब सहस्त्रार चक्र में चला जाएगा तो ऐसे जैसे कोमा और फिर कब निकलेगा कि तुम्हें होश रहेगा सबकी बात सुनेगा और निकलेगा कब 1 घंटा के बाद तुम नॉर्मल हो जाएगा। क्या ठीक है महाराज। कहा लाओ देखे इसमें रहस्य क्या है। कहा जाता है कि गुरु के हर एक बात में कुछ न कुछ रहस्य होता है ना कहते हैं ना नाम है जिसका तारन हारा सर्वात्मानंद है कि सुभाष जी नाम है जिसका तारन हारा उसमें भी कछु कारण होगा। नाम है जिसका तारण हारा उसमें भी कछु कारण होगा। नाम है जिसका तारण हारा जिसकी दुनिया इतनी सुंदर ओ कितना सुंदर होगा। नाम है जिसका तारण हारा उसमें भी
कछु कारण होगा, नाम है जिसका तार नहारा, उसमें भी कछु कारण होगा। जिसकी दुनिया इतनी सुंदर, ओ कितना सुंदर होगा, नाम है जिसका तार नहारा। सदगुरु की हर वाणी में, हर एक कर्म में कुछ न कुछ रहस्य छिपा रहता, उसके पीछे कोई कारण है, और जो नहीं समझ पाते वह उलझ जाते हैं। ठीक है, बच्चा वही करने लगा जैसा गुरुजी बताए थे। जैसा गुरुजी बताए थे वैसा ही बच्चा करने लगा, और जैसे घड़ी किसी बारह पर गई दोनों पैरों से इतना तेजी से उछाल करके रजाई को फेंक दिया ऊपर। रजाई जानते हैं ना, जो ठंडक में ओढ़ा जाता है। और उसके बाद लगा छटपटाने, पेट में दर्द है दर्द है। पहले तो पत्नी भी इस बात को छिपाने की कोशिश की, लेकिन बात जब आगे बढ़ गई तो चिल्लाई, माँ आई, माँ भी चिल्लाने लगी। वो दो बहनें थी, वो भी चिल्लाने लगी, पिता भी चिल्लाने लगा, अगल बगल के लोग आने लगे, सब देखने लगे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। अब उतनी रात को डॉक्टर का आना मुश्किल था, और जैसे भोर हो, जैसे सुबह 5 बजा, और तुरंत वह दांत, तुरंत वह लड़का उस जड़ी को दांत के नीचे दबा लिया, और जैसे दबा लिया श्वास की गति रुक गई, और वह श्वास चला गया सहस्त्रार चक्र, और जब सहस्त्रार चक्र में चला गया, जैसे सहस्त्रार चक्र में चला गया, अब तो हो गया, मर गया, हल्ला मचा। नौजवान लड़का, किसी का नौजवान लड़का मरेगा तो हल्ला मचेगा कि नहीं? सब लोग लगे चिल्लाने, पत्नी जार बिजार चिल्ला रही है, बाप रे बाप, हे विधाता हमको ले लिए होते, मेरे सुहाग को काहे लिए ले लिए। माँ कह रही थी कि हमारा प्राण कोई ले 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 मेरे बच्चे को जिंदा कर ले। पिता अलग पछाड़े खा खा कर गिरता था, किसका आशा करे। बहन भी बोली कि बहनें अलग रो रही है, चिल्ला रही है, तड़प रही। उसके संगी साथी आए, वो भी खड़े हो गए, गांव गड़े वाले आ गए, पास पड़ोस वाले आ गए, रिश्तेदार आ गए। रिश्तेदार में कौन होता है? फूफा, चाचा, काका, नाना, नानी, दादी, दादा, ये सब रहते हैं ना, भाभी, मामा, सारे इकट्ठा हो गए। लेकिन सत्य की हकीकत बता रहे हैं आपसे, जब बहुत तेज श्रृंखला बढ़ गई तो गुरुजी देखे, यदि देर तक जड़ी रही तो बच्चा मर जाएगा, और उसके मरने का पाप सुनो मेरे सर पर आएगा। जल्दी जल्दी भगे हैं गुरुवर, अपनी लकुटी उठाए हैं, लकुटी उठाकर जल्दी जल्दी भगे, और देख रहे हैं भीड़ लगी है दरवाजे पर, बहुत बड़ी लाश को आगे सुलाया गया है, और गुरुजी वह डंडा लिए हुए पहुंच गए। भीड़ को चीर रहे, हटो हटो क्या हुआ, हटो हटो क्या हुआ। जनता चिल्लाने लगी क्या हुआ, बेचारा का एक ही लड़का था, उसको प्रभु ने खोज लिया। ठीक है, वहां जब पास गए तो देख रहे हैं सभी चिल्ला रहे हैं, हाय गुरुजी, हाय हाय हाय। गुरुजी कहे ठीक है देवियां, आपका बच्चा जिंदा चाहिए ना। लोग बोले हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, जिंदा कर दीजिए। कहे भाई यदि इतनी भीड़ जुटी हुई है, हजारों हजार लोग हैं, सैकड़ों पूरे गांव के लोग हैं, यदि बच्चा को जिंदा करना है तो कोई एक एक पाव दूध दे देगा क्या? एक गिलास, एक गिलास। अब बोले अरे एक बाल्टी ला दो, एक ड्राम ला दो, दे देगा ना। अब सब दौड़े अपने घर, गाय का भैंस का जो भी था निचोड़ा, इतना 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 बहुत दूध हो गया। गुरुजी बोले अरे इतना नहीं, एक गिलास केवल दो ना, एक गिलास लाए, और एक गिलास को उठाए, मंत्र योग शक्ति का अनुसंधान किए, कहे सुनो। सब लोग महाराज जी के हाथ को देख रहे थे, भरे गिलास को, दूध को, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, जैसे ऐसे दिखा रहे हैं ऐसे। और जब दूध के गिलास को मुंह तक
लोग देखने वाले देख रहे थे वहां चमत्कार हो जाएगा, गुरुजी जिंदा मुर्दा को जिंदा कर देंगे और इतना बड़ा चमत्कार होगा तो फिर क्या है, और जब इतना बड़ा चमत्कार हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, बाबा जी का बात फैलेगा ना, ठीक है। अब सब लोग सोचे, गुरुजी बोले देख भाई इस तरह से नहीं कुछ होने वाला है, देखो यह यदि दूध पीने को कोई तैयार हो जाए तो बच्चा जी जाएगा। बोलो, तमाम हाथ फैलाए, हमको दीजिए गुरुजी, हमको दीजिए गुरुजी, मैया बोली हमको दे दीजिए, बाप बोला हमको दे दीजिए, भाई बोला हमको दे दीजिए, बहन बोला हमको दे दीजिए, सभी लोग चिल्लाने लगे हमको दीजिए हमको दीजिए। गुरुजी बोले सुनो, ओ गुरुजी बोले सुनो, पीछे वाले सो रहे हैं जगाना होगा। गुरुजी बोले सुनो, यह जैसे जैसे जो दूध पिएगा उसका मरने की अवस्था धीरे धीरे चालू होगी और यह बच्चा धीरे धीरे जिंदा होगा। यह बच्चा उठकर बैठेगा और दूध पीने वाला इसकी जगह मरेगा, ठीक है। हजारों जो हाथ थे पीछे आ गए, हजारों जो हाथ थे पीछे आ गए और कहीं ना कहीं पीना पड़े तो कोई बुलाए अभी गैया के, क्या है महाराज जी गैया को ना लगाना है खिलाना है, कोई कह रहे भाई खेत में जाना है, कोई कह रहे स्कूल जाना है, कोई कह बच्चे को तैयार करना है, कोई बोला लेट हो रहा है, धीरे धीरे पूरा खाली हो गया, रिश्तेदार वगैरह भी खाली हो गए, केवल बच्चे कह लोग बच्चे ना ना माँ दोनों बहन और गुरुजी क्या लोग हो गए, पांच लोग। देखिए महाराज जी बड़ा विचित्र हो गए और उसके बाद माँ बड़ी चिल्ला रही थी, इतना चिल्ला रही थी कि जार बेजार, माँ के पास ले गए और कहे कि देखो देवी जी यह ले लो पी लो, क्या हो गया तो मर जाएगी बच्चा जी जाएगा। और बोलिए गुरु जी हम पी तो लेते लेकिन मर जाएंगे, लेकिन रमुआ के पापा का क्या हुई, वो बेचारा की बुढ़ौती में के देखी, आ जाए दे जन होके रहल तन अब तो हो ही गई। अरे गुरु जी छोड़ जाए दे, माँ पिता के पास गए, पिता के पास गए, पिता से कहा कि अभी तो आप चिल्ला रहे थे कि मेरे बच्चे को कोई जिंदा कर दे मैं प्राण दे दूंगा, तो आप ही पी लीजिए ना। कहे हम तो पी लेंगे लेकिन वो जब अब ही तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तो कोई बात नहीं, लेकिन उस सवा के माई के कुल छोड़ी हैं ना ही रहब तो दाना पानी पूछी है, गुरुजी भला आदमी है, अरे छोड़ दीजिए तो जो आया है उसको जाना ही है, और हम दोनों रहेंगे तो फिर नहीं बच्चा संतान आ जाएगा, क्या करना। महाराज जी लेकर गए दूध के गिलास को किसके पास, बहन के पास, बहन से बोले कि अभी तुम चिल्ला रही थी छाती पीट तुम रो रही थी कि मेरा कलाई पर राखी बांधने वाला छीन ले आ गया, एक काम कर दो बहन है ना एक मर जाओगी तो भी एक बचेगी ना, वह अब वो तो पीछे हो गई, कही अरे गुरुजी नहीं जानते हम जो मर जाएंगे तो ठीक है उसे हमार बहनिया से माई से पटे लनाए तो हम वही तो अपने माई के आधार माने आई, हम माई का आधार माने बापे का आधार हो जाए क्या करें, जिसको जाना है वो जा। दूसरी के पास गए, दूसरी बोली तुम्हारे तुम तो अपने भाई से बड़ा प्रेम करती हो पी जाओ ना। वो बोले गुरु जी जब वो ना पियते थे हम काहे पी, वही पियो जेकर सुहाग बाऊ वही पिया चले।
उसके घर गए और चिल्लाने लगी, अरे गुरु जी जो हुआ सो आपकी वजह से हुआ, आप ही के यहाँ जा रहे थे तभी हुआ, आपके यहाँ चले गए उसी से हमारा सुहाग उजड़ गया, अब क्या होगा। कहे बेटी तेरा सुहाग जिंदा हो जाएगा। कह सही में? अरे जल्दी बोलिए जो कहिए सो करें। कहे कुछ नहीं करना है, यह दूध पी लीजिए। कहे दूध पी ले, झपट्टा मारी दूध के ऊपर। कहे सुन लीजिए, पहले शर्त है, दूध जैसे जैसे पीते जाएंगे वैसे ऐसे आपका शरीर शिथिल होगा, शिथिल होते होते धरती पर गिर जाएंगे और इसके अंदर चेतना आएगी, ये जी जाएगा और आप मर जाएंगे, यानी आप ही के प्राण से जिए। अब तो जो घूंघट गिर गया था ना, मैंने रोने में बाल उल छिटक गए थे, अब खींच लिए अपना घूंघट। बोलिए गुरु जी हम गरीबे घर के बेटी ना आई, हमार माई बाप इतना कैले बड़ा कि इनसे निक खोजते हैं, हाँ इनसे निक खोजते हैं, आ हम मर जाब तो जी के क्या करें, दूसर ब्याह कर लिया सौत ले दे, आ हम कह लिया अपन जान दे बेजाई ले जा। बोले अच्छा ये बताइए, गुरु जी बोले ये बताइए क्या दूधवा हम ही पी जा। अरे गुरु जी जल्दी पीजिए, आपकी की रवैया बा, ये चूंकि सरवा जैसा दाढ़ी रखाए थे बाबा जी, और बाबा जी अभी भागना चाहे तब तक जबरदस्ती पकड़े, कोई हाथ पकड़ा कोई पैर पकड़ा कोई दाढ़ी पकड़ कर झटका, ओम कोई दाढ़ी पकड़ा कोई बाल पकड़ा कोई पकड़ के उनको पटका जी, और मुंह खोल कर गुरुआ का और जैसे देता ढरका जी, ढरका जानते है, जैसे छोटा बच्चा दवा जब नहीं पीता है तो माँ क्या करती है चम्मच में दवा घोरती है और मुंह दबाती है, वैसे दबाए दो मुंह, बेटी चिल्लाई पापा खूब जोर से पैर पकड़े रहिएगा, दूसरी बेटी बोली मम्मी दाढ़ी मत छोड़िएगा गुरुआ का गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब वो जब गुरुजी को पिला दिए सब, लड़का तो न खड़ा था वापस आ गया, लड़का जगा तो बोला देखा रे मन फूला फूला जगत में कैसा नाता रे, दिव्य आत्मा यह नाता तब तक है जब तक सांस में शरीर में सांस है, और जिस दिन सांस शरीर को छोड़ दिया उसी दिन से सारे रिश्ते व्यर्थ। बच्चा खड़ा हुआ तो बोला सारे जगत में सदगुरु रिश्ता वही एक सत्य कहलाता है, लाखों विपत्ति पड़े लेकिन फिर साथ छोड़ना जाता है, कहने के लिए हजारों साथी कोई न साथ निभाते हैं, सदगुरु ऐसा चक्रव्यूह में पड़ो तो भी जाकर वहां से प्राण बचाते, सदगुरु ऐसा होता है कि जहां बचाता है दिव्य आत्माएं। कहने का मतलब रावण ने जब हनुमान को बांध करके रावण ने जब हनुमान जी को बांध करके लंका में के अंदर मंगवाया अक्षय कुमार से, नहीं किससे, मेघनाथ से, अक्षय कुमार को तो हनुमान जी मार दिए, और जब मंगवाया तो वही हनुमान जी सोचने लगे विचार करने लगे कि यदि सदगुरु की शक्ति है तो मुझे जरूर बताएगी बचाएगी, रावण के पास सदगुरु नहीं था, सदगुरु नहीं, हनुमान जी के पास थे, भगवान राम के पास सदगुरु थे, है ना। देखिए यदि हमारे जीवन में सदगुरु है दिव्य आत्माएं, यदि हमारे जीवन में सदगुरु है तो जिस समय हम विपत्ति में पड़ते हैं संसार के लोग तमाशा देखते हैं और कोई कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसे हालात में सदगुरु ही एक होता है कि वह रास्ता खोजता है कि कैसे इसको इस विपत्ति से निकाले, और कोई नहीं निकालनहार है। एक आप लोग भजन गाते हैं उसी साथ समाप्त करेंगे, बड़ी अच्छी भजन है, बड़ा दिल को छूने वाली है, तो पुराना श्रृंगी जी भाग गए का है, बड़ी अच्छी भजन है, श्रृंगी और सुभाष जी दोहरा लेते हैं, श्रृंगी सुभाष अटल तीन ही लोग और नहीं दोहरा पाएंगे।
देखिए कुछ लोग जानते हैं कि मातेश्वरी परिवार माँ अम्बे का पूजा करता है, लेकिन माँ अम्बे माँ आदि शक्ति की अंशा अवतार है और माँ अम्बे माँ उमा का एक रूप है और नौ शक्तियां भी जो भी शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा कुष्मांडा अस्कंद माता कात्यायनी काल रात्रि महागौरी सिद्धात्री जितनी भी शक्तियां हैं इस जितने शक्तियों का नाम लिया हूं वह वहां शक्ति के अंशा अवतार है पूर्ण रूप नहीं। माँ आदिशक्ति एक सर्वोच्च सत्ता है। जो माँ आदिशक्ति पुराण में आता है कि भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु भगवान शंकर को भी जन्म दिया, ठीक है ना, जो उसकी तपस्या मातेश्वरी परिवार में होता है। आज दुर्गा जी का नहीं होता है, काली का नहीं होता। अम्बे अवतारणी जो हम बोलते हैं हम अपने सदगुरु को माँ अम्बे का अवतार मानते हैं, मानते नहीं है ये, आपको विश्वास ऊंचा ना हो लेकिन हमारे गुरु तो हैं, अम्बे अवतार हैं। अब अपने गुरु को जो आप समझे आप जाने। कहा जाता है यदि दिल से पुकार किया जाए तो अम्बे जगदम्बे भी ना बुलाए मिल जाएंगे, ठीक है। और मेरी माँ का मतलब माँ आदिशक्ति से है, भजन का भाव अर्थ ही है, भावार्थ। अब भजन बोलेंगे, अरे अम्बे भी मिलेगी जगदम्बे भी मिलेगी, जय जय जय, अरे दिल से पुकार मेरी मैया भी मिल, जय जय जय, अरे अम्बे भी मिलेगी जगदम्बे भी मिलेगी, जय जय जय, अरे दिल से पुकार मेरी मैया भी मिलेगी, जय जय जय, अरे अम्बे भी मिलेगी जगदम्बे भी मिलेगी, जय जय जय, अरे दिल से पुकार मेरी मैया भी मिलेगी, जय जय जय। किया अच्छा अर्थ समझ गए ना, अम्बे का मतलब समझते ही हैं, जगदम्बे का मतलब समझते ही हैं, अम्बे का मतलब विशेष करके दुर्गा विनाशनी या दुर्गम राक्षस को मार कर संहार कर फिर देवताओं का वापस राज्य लौटाने के कारण माँ का दुर्गा पड़ा, वो अम्बे हैं। जगदम्बे जगत के अम्बे जो संपूर्ण संसार को रचना की है, कौन रचना की है जानते हैं, बताएंगे का थपरा कि पांच लाइट लाइट दे दो भाई, हो गया हो गया भोजन हो गया भाई, बोल दो ये हो गया, आप बोले कि हम कहीं से करते रहा।